हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि टोटल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अब यही प्रश्न एग्जाम में पूछने लगा है, तो आप एक एक क्वेश्चंस का देखते जाइएगा सीरियल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है विद्युत, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है सूर्य। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए, लकड़ी, कोयला और सूर्य, ये ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं, तो इसको याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विद्युत ये ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ये कृत्रिम स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है? इसका ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है NH4OH, ऑप्शन सी है NH4Cl, ऑप्शन डी है NH3। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, NH3, अमोनिया। याद रखेंगे, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए NH3 का उपयोग किया जाता है और रेफ्रिजरेटर में वस्तुओं को रखा जाता है और वे सुरक्षित रहती हैं। और याद रखिएगा, NH3 यानी अमोनिया का औद्योगिक निर्माण हैबर विधि से किया जाता है और NH3 का उपयोग याद रखेंगे बर्फ बनाने में, नाइट्रिक एसिड के निर्माण में, यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, साथ ही विस्फोटक पदार्थ बनाने में व कृत्रिम रेशम के निर्माण में भी किया जाता है। तो ये NH3 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, RDX है, तो याद रखें, ऑप्शन ए है दाब मापने का एक यंत्र, ऑप्शन बी है एक जीन, ऑप्शन सी है उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होने वाला रसायन, ऑप्शन डी है एक विस्फोटक। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, RDX एक विस्फोटक है और इसका प्रयोग आतंकवादी विस्फोट करने में करते हैं और RDX विस्फोट काफ़ी शक्तिशाली होता है और इससे बड़े बड़े भवनों, पुलों को भी उड़ाया जा सकता है। तो याद रखेंगे इसको, और RDX का रासायनिक नाम साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है, इसको याद रखेंगे। तो RDX एक विस्फोटक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर फोर, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी? ऑप्शन ए है हवाई जहाज की, ऑप्शन बी है टेलीफोन की, ऑप्शन सी है सेफ्टी लैंप की, ऑप्शन डी है डायनामाइट की। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डायनामाइट की। यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज के लिए जाने जाते हैं और याद रखेंगे, इसकी यह घोषणा, इन्होंने एक घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति रचनात्मक कार्य के लिए वैज्ञानिक शोध करेगा उसको मेरी संपत्ति के ब्याज से पुरस्कृत किया जाएगा, और इसे बाद में नोबेल पुरस्कार का नाम भी दिया गया था, तो जो कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव है, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो देखिए, गणित में, ऑप्शन बी है रसायन में, ऑप्शन सी है भौतिकी में, ऑप्शन डी है साहित्य में। तो यहाँ पर याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भौतिकी के क्षेत्र में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए सन 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इस प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को हुई थी, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व को मापने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है 200 वर्ष, ऑप्शन बी है 500 वर्ष, ऑप्शन सी है C14, ऑप्शन डी है C16, ऑप्शन डी है C14। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कार्बन 14, यानी रेडियो कार्बन है ये। कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयु का निर्धारण करने में किया जाता है और इसको याद रखेंगे। तो ये पुरातात्विक महत्व को मापने के लिए, या फिर इसी को बोलते हैं किसी भी पदार्थ की आयु का निर्धारण करना, ये कार्बन 14 से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सेवन है, टेलीविजन पर सिग्नल एक विशेष दूरी के बाद सामान्य तौर पर किस कारण रिसीव नहीं होते? ऑप्शन ए है सिग्नल की कमजोरी, ऑप्शन बी है कमजोर एंटीना, ऑप्शन सी है वायु में सिग्नल का अवशोषण और ऑप्शन डी है पृथ्वी की गोलाई। तो याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पृथ्वी की गोलाई के कारण टेलीविजन पर सिग्नल एक विशेष दूरी के बाद सामान्य तौर पर रिसीव नहीं होते हैं, ये याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पृथ्वी की गोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एट है, गैलीलियो थे एक, ऑप्शन ए है खगोलज्ञ, ऑप्शन बी है उपन्यासकार, ऑप्शन सी है संगीतकार और ऑप्शन डी है टेनिस चैंपियन।
तो गैलीलियो एक खगोलज्ञ थे, इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इन्होंने दूरदर्शी का आविष्कार किया था और जो कि आकाशीय पिंडों को देखने काम आता है। दूरदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, गैलीलियो एक खगोलज्ञ थे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, परम दाब है, ऑप्शन ए है गेज दाब प्लस एक बार, ऑप्शन बी है गेज दाब प्लस दो बार, ऑप्शन सी है गेज दाब माइनस एक बार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये परम दाब बराबर होता है गेज दाब प्लस एक बार के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर, ऑप्शन ए है सामान्य स्तर से नीचे जाएगा, ऑप्शन बी है सामान्य स्तर से ऊपर जाएगा, ऑप्शन सी है सामान्य स्तर से ऊपर नीचे बदलता रहेगा, और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित, सॉरी परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर सामान्य स्तर से नीचे जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी के तल के समीप वायुमंडल में खाली स्थान की मात्रा लगभग 78% होती है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन की, ऑप्शन सी है आर्गन की, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नाइट्रोजन की। यहाँ पर याद रखेंगे लगभग 78% होती है पृथ्वी के तल पर वायुमंडल में, और इसके अलावा ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है, ऑक्सीजन 21%, और शेष 1% में आर्गन तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, मैनोमीटर से निम्नलिखित तथ्य का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है गैस का दाब, ऑप्शन बी है ध्वनि का वेग, ऑप्शन सी है वायुमंडल की आर्द्रता, ऑप्शन डी है द्रव का घनत्व। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गैस का दाब, इसको याद रखिएगा, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, और वहीं पर ध्यान रखेंगे वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं, और ध्वनि का वेग, ये यहाँ पर देखिए ध्वनि का वेग है, ये ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से, और द्रवों का घनत्व, यहाँ पर ये द्रव का घनत्व बोलेंगे, अपेक्षिक घनत्व, ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। तो इसको याद रखिएगा, आर्द्रता वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, और द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर, और ध्वनि का वेग ऑडियोमीटर, यहाँ पर इसका मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है प्लानीमीटर, ऑप्शन सी है अल्टीमीटर, ऑप्शन डी है हाइड्रोमीटर। तो याद रखिएगा, ऊंचाई मापने के लिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट होगा, अल्टीमीटर, या अल्टीमीटर से याद रखिएगा, ऊंचाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा बैरोमीटर द्वारा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो बैरोमीटर द्वारा वायु के दाब को मापते हैं, और हाइड्रोमीटर द्वारा यहाँ पर द्रवों का आपेक्षिक घनत्व तो मापा जाता है, जबकि प्लानीमीटर, ये जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, प्लानीमीटर के द्वारा मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन ए है हृदय की धड़कन, ऑप्शन बी है वायुमंडल का दबाव, ऑप्शन सी है भूचाल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भूचाल या भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी है जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, ऑप्शन सी है ग्रहों को देखने के लिए, और ऑप्शन डी है भूकंपों की तीव्रता का पता करने के लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, रडार का प्रयोग जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, और रडार विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से कार्य करता है, याद रखेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।